नमस्कार, मैं हूं दुष्ला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। भोजपुरी भाषा की तीसरी वेब सीरीज आ रही है लंका में डंका, जिसमें भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता रितेश पांडे और प्रियंका रेवड़ी नजर आएंगे। वही रितेश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वेब सीरीज में राम और सुनीता की अद्भुत प्रेम गाथा को दिखाया गया है। वही रितेश शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ते नजर आएंगे। वही प्राइम टीवी की टीम ने खास बातचीत रितेश पांडे से की है और रितेश पांडे ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। OTT प्लेटफॉर्म पे भोजपुरी की तीसरी वेब सीरीज आ रही है लंका में डंका, और इसमें किरदार निभा रहे रितेश पांडे जी हमारे साथ हैं। रितेश जी, हमें ये बताएं कि आप राम के किरदार में हैं और इसमें शिक्षा माफिया पे आप कार्रवाई करते हुए दिखते हैं, तो इसमें क्या है पूरे फिल्म में और अपने किरदार के बारे में बताएं। जी देखिए, ये फिल्म नहीं वेब सीरीज है और ये सारी चीज़ों का समावेश है। इसमें आपको एक्शन, रोमांस, ड्रामा, लव सब कुछ देखने को मिलेगा। और एक क्यूट सी लव स्टोरी है। एक लड़का है जो आर्थिक स्थिति उसकी बहुत ख़राब है, उसके पास साइकिल भी नहीं है चलने को, लेकिन वो एक लड़की से प्यार करता है। उसको देखता है कि बस में जाने में दिक्कत होता है तो उसके लिए बस खरीद देता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा कॉलेज बना देता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगी और बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है आप लोग के लिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, आप आएंगे YouTube पे तो आप बॉलीवुड के गानों को देखेंगे और भोजपुरी गानों को देखेंगे तो आपको तीन गुना व्यू देखने को मिलेगा भोजपुरी गानों पे। तो अब भोजपुरी का बस ये तीसरा वेब सीरीज है, तो आपको क्या लगता है इसमें विकास की जरूरत है और सेंसर बोर्ड को भी लाने की जरूरत है? देखिए, फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड तो है ही, और जो आप बात बोल रहे हैं कि भोजपुरी के गानों के तीन गुना ज़्यादा व्यूज हैं, तो कुछ एक गानों के हैं, सारे गानों से तुलना नहीं की जा सकती है। वो आप टी सीरीज का एक गाना है हनुमान चालीसा, वो मेरे ख्याल से बिलियन क्रॉस कर गया है, 1,500,000 तो हो ही गया होगा कम से कम। तो ऐसा नहीं है, भोजपुरी बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है और जिस हिसाब से हम लोगों ने फिल्मों में झंडा गाड़ा उसी हिसाब से हम लोग वेब सीरीज में भी झंडा गाड़ेंगे। आखिरी सवाल हम भोजपुरी में पूछल चाहता नहीं, नीतीश भैया हमके ये बताएं कि जैसे केहू कहीं भोजपुरी बोलेला तो के बड़ा हीन भावना से और के गंवार जिगनल जला, लेकिन अगर केहू मराठी, बंगाली या तेलुगु में बोलला तो के स्मार्ट समझ जला, इस पे आप क्या सोचते हैं? के समझेला हम ओकरे खोजतन कि के समझेला भोजपुरी बोले वाला के गंवार के समझेला, हमारा के सामने ले खड़ा करें। भोजपुरी बोले वाला लड़का अगर ओकरा से भोजपुरी में बतियाई, भोजपुरी में बतियाई, हिंदी में बतियाई, हिंदी में बतियाई, अंग्रेजी में बतियाई तो अंग्रेजी में बतियाई। भारत में सबसे ज़्यादा सबसे कठिन परीक्षा जो होला ISPCS के, भोजपुरी क्षेत्र से लड़का सबसे ज़्यादा जला सन, तो भोजपुरी क्षेत्र के लड़कन के कुशलता पे और ज्ञान पे कभी कोई सवाल ना उठा सकेला। और एगो झूठ मूठ के प्रोपोगेंडा चल गई बा कि भोजपुरी बोले वाला गंवार होला, बिल्कुल ना, हम एक सीरा से एक रखे हम नकारा नहीं और खारिज करता नहीं। शुक्रिया हमसे बात करने के। तो हमारे साथ भोजपुरी कलाकार रितेश पांडे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस फिल्म में कहीं ना कहीं जो शिक्षा माफिया हैं उन पे हम कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे और इस फिल्म में हम राम के किरदार में नजर आएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। बुलंदशहर में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 5 अभियुक्तों को चोरी की 3 मोटरसाइकिल व अवैध असलाह कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि चोर बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर व अलीगढ़ से मोटरसाइकिलों की चोरी कर उनके नंबर प्लेट बदल कर आसपास के क्षेत्रों में सस्ते दामों पर बेच देते थे। और पुलिस को एक सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति जा रहे हैं जिनके पास चोरी की मोटरसाइकिलें हैं और अवैध असलहे भी उनके पास हो सकते हैं। इस सूचना पर इनकी टीम सक्रिय हुई और इन लोगों ने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उन 5 व्यक्तियों के पास से 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई, 2 तमंचे, 2 चाकू और 4 कारतूस बरामद किए गए। मोटरसाइकिलों के बारे में जब पता किया गया तो मोटरसाइकिलें पता चला कि एक अलीगढ़ से चोरी हुई थी, एक गौतम बुद्ध नगर से चोरी हुई थी, एक अपने यहाँ जहांगीरपुर से चोरी हुई थी। और फिर इन लोगों का जब इनका आपराधिक इतिहास पता किया गया तो पता लगा कि इनके ऊपर 3 से लेकर के 5 मुकदमे इन लोगों के ऊपर हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बल्लभगढ़ में प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 2 की पार्क एवेन्यू 4 सोसाइटी में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को तिरंगा यात्रा के साथ जागरूक किया और इस यात्रा में सोसाइटी के सभी लोग शामिल हुए। बता दें, इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण भी किया और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संदेश दिया। साथ ही सोसाइटी की
सीएससी सेंटर में वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनवाने के लिए कैंप का भी रिबन काट कर शुभारंभ किया। सोसाइटी में तिरंगा यात्रा की शुरुआत के लिए हर घर पर झंडा हो, हर घर पर तिरंगा हो, राम हो, कृष्ण हो और देश के आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर शुरुआत की है देश के प्रधानमंत्री जी ने और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरा संगठन सरकार सभी लोग हर घर पर तिरंगा फहराएंगे और लगवाने का काम करेंगे। शावसी जनपद के मुख्यालय भिंगा पुलिस लाइन में आजादी का अमृत महोत्सव और मिशन शक्ति के तहत हरियाली तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीओ नगर अतुल चौबे की पत्नी ने भजन प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान भारी संख्या में महिला पुलिस आरक्षी व पुलिस परिवार कर्मियों की पत्नियां मौजूद रही। अलीगढ़ में पार्टी हाईकमान के निर्देश पर सपा जिलाध्यक्ष व पार्टी कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं पार्टी हाईकमान ने सदस्यता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है और जनपद में 3,117 बूथों पर सदस्यता अभियान चलाया गया है। पार्टी आगामी समय में होने वाले निकाय चुनाव से पूर्व ही पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। हमारे बहुत ही कर्मठ संघर्षी युवा साथी 5 लोगों को अलीगढ़ की सदस्यता अभियान की गति प्रदान करने के लिए नामित किया गया है। वो यहाँ पधारे हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा रूट चार्ट तैयार कर लिया है, कैसे काम करेंगे आपको भी बता दिया गया है। अलीगढ़ के अंदर 3,117 बूथों पर हर बूथ पर कम से कम 2 सक्रिय सदस्य और 100 प्राथमिक सदस्य बनाने का जो हमें लक्ष्य दिया गया है वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। खबर गाजीपुर से, जहां खानपुर क्षेत्र के सिधौना स्थित सिद्धेश्वर महादेव धाम पर आयुष राज्य मंत्री ने लोगों को तिरंगा देकर अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद अपने गृह ग्राम पहुंचे औषधीय प्रशासन राज्य मंत्री ने अपना आयुर्वेदिक बागवानी का निरीक्षण किया और एक औषधीय पौधे का पौधारोपण किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पवित्र पर्व के अवसर पर 15 अगस्त के पूर्व हर घर जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना है उसकी कड़ी में हम संगठन का ये फैसला हुआ है कि प्रभात फेरियां निकलेंगी सुबह जन जागरण के लिए और मोटरसाइकिल जुलूस निकाल कर हम सब लोग सबको पूरे समाज को ये अभियान 13 से 15 तक का ये मिशन है कि 2 दिन सबके दरवाजे पे को हर घर भारतीय तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उससे फहराएगा। खबर कुशीनगर से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस और स्वाट टीम ने अभियुक्त के पास से 8 गोवंशीय पशु बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गौ तस्करी के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर थाना तमकुहीराज व स्वाट टीम द्वारा NH पर संयुक्त चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान बिना नंबर प्लेट का एक पिकअप वाहन आता हुआ दिखाई दिया है, जिसे टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान पुलिस टीम द्वारा जो है घेराबंदी कर गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। खबर घाघरा से है, जहां बढ़ते जलस्तर ने गांव और में तबाही मचा दिया है। बता दें खतरे के लाल निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर तक घाघरा बह रही है, जिसके चलते लोगों का सामान घाघरा में बहता हुआ दिखाई दिया। राजधानी के दुबग्गा थाना क्षेत्र में शराब के नशे में आपसी विवाद होने के बाद दूसरे साथी ने अपने ही साथी लेबर की ईंट गुम्मों से मारकर जान ले ली, जिसके बाद लेबर ने परिजन और उसकी पत्नी ने साथी लेबर के ऊपर हत्या करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने दुबग्गा में तहरीर दी। वहीं नवनियुक्त DCP राहुल राज ने पीड़ित की तरफ से दी गई तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोषी की तलाश में जुट गई। ईटा गुम्मा से मारा है जहाँ पे मारा है वहाँ के लोगों ने बताया है हमको,
सुबह 6 बजे किसने बताया आपको? वो खुद कोई नंबर आया था सर, वो नंबर ना, वो आदमी सामने नहीं आया है। आप उनकी पत्नी हो? तो पार्टनरशिप में इन्होंने ठेका लिया था, 10,000 मिले, वहाँ पे 1,500 की दारू की मान लीजिए 7,500 रुपया बचा, उसमें बंटवारे के चक्कर में इनको मारा उसने, गोलू ने। गोलू कहाँ रहता है? गोलू रहने वाला तो मतलब उसकी आईडी कन्नौज की लगी है, बाकी रहता कैंपन रोड वाला। घटना के संबंध में जानकारी मिली है कि मृतक अनिल गौतम जनपद हरदोई के थाना संडीला का रहने वाला था, जो यहाँ दुबग्गा में रह करके लेबर का काम करता था। कल इसे अपने ठेकेदार से पेमेंट भी हुआ था। पेमेंट के बाद ये अपने एक दूसरे साथी के साथ जाकर शराब पिया है। शराब पीने के बाद मारपीट हुई है और इसका साथी फिर इसके घर जाकर इसकी पत्नी का मोबाइल लेकर अपना नाम और नंबर डिलीट कर दिया। इसकी जानकारी हो चुकी है इसके साथी की और शीघ्र इस संबंध में उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। खबर बलिया से है, जहां के महाराजपुर में अधेड़ युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और हत्या करने वाले हथियारों को बरामद किया। सुबह एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें जाकर के देखा गया था तो शव की शिनाख्त श्री केशव यादव जो कि महाराजपुर के निवासी थे उनके रूप में हुई थी, जिनके गले पे वार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस के लिए बिल्कुल ब्लाइंड केस था, इसके लिए एडिशनल एसपी बलिया के नेतृत्व में दो टीमों का गठन किया गया था, जिससे केस का शीघ्र अनावरण हो सके। और मुझे खुशी है बताते हुए कि जनपद बलिया पुलिस ने बहुत ही जल्द इस ब्लाइंड केस में टेक्निकल और मुखबिरों की मदद से प्राप्त जो भी साक्ष्य थे उसके बेसिस पर जो मुख्य आरोपी है राम बच्चन उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसी की निशानदेही पर मामले में जो आला कतल उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था कुल्हाड़ी वह बरामद कर लिया गया है। राम बच्चन को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके उसमें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। देश की आन बान शान के प्रतीक तिरंगा का असर भाई बहन के त्यौहार रक्षाबंधन पर भी नजर आने लगा है, जिसके चलते शहर के बैंक रोड इलाके में तिरंगे की थीम पर आधारित तिरंगा राखियां तैयार की गई और देश की सीमा में तैनात उन भाइयों के लिए भेजा गया जो सरहद की रखवाली करने की वजह से रक्षाबंधन में अपनी बहनों के पास नहीं आ सकते। हम लोगों ने आज तिरंगा राखी बनवाकर अपने दिव्यांग बहनों से जो सरहद पे हम लोग की सुरक्षा कर रहे हैं सैनिक भाई, उन लोग के लिए ब्रिगेडियर समीर चौहान जी को समर्पण किए 500 राखी। देश के लिए जो कुर्बानी दे रहे हैं या जो है जो हम लोग की सुरक्षा कर रहे हैं उन लोग को जो भी हम लोग यहाँ से यदि पहुँचा सकते हैं देश में जो है अपने नौजवानों के लिए हम लोग का जो भी छोटा मोटा योगदान हो सकता उसके लिए हम सभी जो है भाई बहनों ने मिलकर या छोटा सा जो है प्रयास किए थे। सबसे पहले मैं जो है श्रावणी पर्व और राष्ट्रीय पर्व दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो तिरंगा राखी बनाने का हमारा मकसद ये रहा है जो दिव्यांग बहनें और भाइयों ने मिलकर के बनाया है कि जो हमारे सरहद पर जो है जो लोग सैनिक उपस्थित हैं और हमारा जैसे भाई बहन का श्रावणी पर्व होता है जो है जो रक्षाबंधन का पर्व होता है तो जो सरहद पर जो लोग हमारे भाई सैनिक लोग मौजूद हैं तो जो ये बहनें जो है प्यार का संदेश देती हैं उन जो भाइयों के लिए कि आप कहीं पर भी हो देश की सुरक्षा की आप लगे हुए हैं तो हम बहनें जो हैं आपको जो है आपकी रक्षा के लिए जो है ये रक्षा सूत्र आपको भेज रही हैं कि आपकी जो है रक्षा हो। जिस प्रकार आप देश की रक्षा करती हैं करते हैं इस प्रकार हम बहनें जो है हम जो बहनें आपके जो है रक्षा के हेतु ये रक्षाबंधन का जो राखी भेज रहे हैं। हम लोगों ने आज यहाँ पर राखी वितरण का कार्यक्रम किया सैनिकों के लिए। यहाँ डॉक्टर ब्रिगेडियर चौहान आए हुए थे, समीर चौहान जी, उनको हम लोगों ने सैनिकों के लिए राखियाँ दी हैं। ये राखियाँ हमारे सदस्यों ने बनाई हैं और कुछ इस संस्था से जो यहाँ पर हम यहाँ पर हैं दिव्यांगों ने बनाई हैं। हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज का रंग है तीन रंग, उन रंगों का प्रयोग करके भी कुछ राखियाँ बनाई गई। मैं डॉक्टर शांति चौधरी, मैं अखिल भारतीय महिला परिषद की एक कार्यकारिणी की सदस्य हूँ। हम जैसे वहाँ पे बैठे हुए सैनिकों के पास जब ये पहुँचती है उसको नहीं पता कि किसने ये बनाई है, लेकिन जो एक राष्ट्र प्रेम का ये जो सूत्र है जो हम सबको एक धागा में बांधता है उसकी जब अनुभूति होती है तो आप समझ नहीं सकते कि कितना बढ़िया लगता है। सिंपल शब्दों में यही कह सकता हूँ और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उन सब की तरफ से कि आप सब ने उनको भरोसा दिलाया, आश्वासन दिलाया और उनके जोश में और बढ़ोतरी कर दी अपना ये प्यार, अपनी भावनाएं, अपना सम्मान भेजकर। बहुत बहुत धन्यवाद।
अलीगढ़ से, जहां जल भराव होने से गांव में जलमग्न वाले रास्ते से होकर अर्थी निकालनी पड़ी। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि शव यात्रा ले जाने के दौरान शव गिरने से बच गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से चार व्यक्तियों ने उनके शव को सकुशल जल मार्ग से निकाला। कल हमारे दादा चतर सिंह जी की शव यात्रा निकालते समय पलसेड़ा के मेन रोड पर दो दो फुट पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरी हुई है। जो शव यात्रा गिरते गिरते बाल बाल बची कीचड़ में होकर शव यात्रा ले जानी पड़ती है। जो रास्ता जिस रास्ते पर होकर नंगलिया उसरा पलसेड़ा के सभी गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं, बैंक भी पड़ता है, तीन इंटर कॉलेज हैं जिस रास्ते को जोड़ते हैं और बैंक भी है जिस पर बच्चे आए दिन गिरते रहते हैं। सर प्रशासन से कोई मदद मांगी? प्रशासन को हम कई बार अवगत करा चुके हैं, परंतु ये पलसेड़ा गाँव का दुर्भाग्य है कि आज तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। खबर कानपुर से है, जहाँ कैबिनेट मिनिस्टर को कल आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट के जज ने सजा सुनाई और आरोप लगाया कि सजा सुनाए जाते ही राकेश सचान ऑर्डर देखने को मिली कॉपी को जबरन लेकर कोर्ट से फरार हो गए। वहीं मामले की तूल पकड़ने पर गुपचुप ढंग से कोर्ट रीडर ने कानपुर कोतवाली में राकेश सचान को अभियुक्त बताते हुए तहरीर प्रेषित कर दी है। 11 बजे कोर्ट खुली और उनके अधिवक्ता ने बताया था कि आप 5 मिनट ले आ जाइएगा, तो वो वहाँ पर गए और उनका थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी उन्होंने अपने को असहज महसूस किया। वकील साहब ने उसमें इंजम्पशन अप्लीकेशन कोर्ट में दे दी थी और वहाँ से चले गए। बाद में मीडिया में इधर सूर्यबाजी सब चलता रहा और इसके बाद में सुबह पेपर में पढ़ने से मालूम हुआ कि उन्होंने गिल्टी होल्ड किया है। अब इसमें कल मंत्री जी को ले जा करके कचहरी में अपना वो पक्ष रखेंगे। खबर गोरखपुर से, जहां हथकरघा दिवस के अवसर पर बुनकरों के बीच सांसद रवि किशन व उर्दू एकेडमी के चेयरमैन पहुंचे, जिसके बाद बुनकरों ने दोनों का स्वागत और अभिनंदन किया। वही कार्यक्रम के दौरान सांसद रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बुनकरों के लिए कार्य कर रहे हैं, हर तरफ की स्कीम चला रहे हैं, सभी लोगों को सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है और बीजेपी सरकार लगातार बुनकरों के लिए प्रयासरत है। प्रधानमंत्री जी ने पर्सनली हमारी मुलाकात के दौरान भी दिल्ली में कहा था, आत्मनिर्भर भारत में बुनकर समाज जो बहुत बड़ा समाज है, ये ईस्टर्न यूपी में बहुत बड़ा समाज हुआ करता था, बहुत सारे लोगों का परिवार रोजी रोटी चलती थी, लोगों का घर चलता था, वो समाज अचानक लुप्त होने लगा है। इस समाज को दोबारा जीवित करना है और वो समाज के लिए जो भी केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद होगी वो की जाएगी। तक की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।